तो YouTube पे मेरा एक साल हो चुका है फाइनली। 28 मई को मैं अपना फर्स्ट वीडियो डाला था 2020 में, उस टाइम लॉकडाउन लगा था एंड अभी भी लॉकडाउन लगा है। आज है 28 मई एंड 28 मई आज से जस्ट 2 ईयर पहले मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस टाइम मैं अपने घर पे था एंड वहाँ से स्टार्ट किया एंड आज 2 साल हो गया है। एंड आज का डे काफ़ी स्पेशल है, आज है 28 मई बिकॉज आज का डे स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारे YouTube चैनल के 3 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। एंड अगर आपको याद हो जब हमारे YouTube चैनल के 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे तो हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो, दिस इज अमन गनी एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना ये फेस दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था लिटरली अपने स्टडी में एंड मुझे डेली क्लास करना होता था। एंड आज जो है मेरे YouTube चैनल का 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है। कल रात तक मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी नहीं था बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था। 7-8 महीने से मेरा लाइफ कुछ अलग ही चल रहा है बिकॉज क्लास जाना, क्लास से वापस आना, वापस मेस जाना, लाइब्रेरी जाना, ऐसा कुछ क्लास चल रहा है। तो अभी मैं हूँ प्रवीण भाई के घर पे। ये एक पीजी है, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो MM यूनिवर्सिटी में तो आप आ सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो रूम। वैसे नीचे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं एंड ऊपर मैं अभी आपको रूम दिखाऊँगा। सबसे पहले ऊपर चलते हैं टेरेस पे, यहाँ से वे है टेरेस पे जाने का। मैं अभी ऊपर आ गया एंड लास्ट 7-8 मंथ में बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। पहले मॉडर्न लिफ्ट जो प्रवीण भाई का शॉप हुआ करता था सलोन, वो जहाँ पे था वहाँ पे नहीं है, अभी चेंजिंग हो गया है। और ये नया नया घर है तो मैं आपको सबसे पहले सामने से व्यू दिखाता हूँ ये घर है कहाँ पे। एंड नया नया अभी शॉप ओपन हुआ है एविंग सलोन प्रवीण भाई का, वो भी दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो सामने वाटर टैंक, ये हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। और ये साथ में जो रोड जा रही है वो एंड में जो है ना वहाँ पे पहले हुआ करता था, ये रोड के एंड में वहाँ पे मॉडर्न लिफ्ट हुआ करता था, पर अभी वो मॉडर्न लिफ्ट ने किसी और के हैंड ओवर कर दिया प्रवीण भाई ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पे एक नया मॉडर्न लिफ्ट खुला है छोटा सा प्यारा सा, और यहाँ पे एक AC इंस्टॉल होने वाला है क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला है प्रवीण भाई को, तो जब तक के लिए अभी ये कर लिया है। और ये सारा कुछ नया नया है अभी। और ये जो आप घर देख रहे हो छोटा सा प्यारा सा, इस घर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब प्रवीण भाई ने लिया था तो ये इतना अच्छा नहीं था, ये इसमें बहुत सारा कुछ लगा है, ये आप देख सकते हो ये सारा कुछ लगा है। और मैं आपको नीचे रूम भी दिखाता हूँ अभी चलकर। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे खेती होता है, यहाँ एक टावर है, आई थिंक ये वोडाफोन का टावर है। और यहाँ देख सकते हो ये कुछ ऐसा एरिया, ये देखो यहाँ पे आग लगी पड़ी है। चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ यहाँ का। इस घर की स्टोरी कुछ ऐसी है ना भाई कि प्रवीण भाई ने बोला था कि इस घर में जो है ना सलून जो है ना ओपन कर देता हूँ नीचे एंड ऊपर। फिर मैंने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करने के लिए बिकॉज अगर इस घर में सलून ओपन करे तो बहुत सारा जो है ना लॉस हो जाता है उनका, बिकॉज़ यहाँ पे ऊपर 3 रूम है, नीचे भी रूम है, तो इतना सारा रूम है और यहाँ पे ऊपर नीचे सलून ओपन करते हैं। एंड वो बोल रहे थे कि यहाँ पे इस साइड आप देख रहे हो ये जो एरिया है यहाँ पे जो है ना तुम्हारा पिक लगा दूंगा, ऐसा करने को वो बोल रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं ऐसा मत करो भाई, आप PG लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे PG ओपन हो चुका है, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये देख सकते हो अभी लॉक लगी है, ओपन करना होगा इसे। और लाइट आप रूम देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बेड मिल जाएगा और ये सब देख सकते हो, ये मिल जाएगा साथ में, ये मिल जाएगा कपड़े रखने के लिए कबर्ड वबर्ड। छोटा सा रूम है, प्यारा सा रूम है। चलो अब मैं निकल कर बाहर बात करता हूँ। स्टार्टिंग में जो है ना इस PG को प्रवीण भाई ने बोला था कि सिर्फ कपल्स के लिए रखेंगे, फिर मैंने बोला हम सिंगल लौंडों का क्या होगा, तो फिर भाई ने बोला कोई नहीं सिंगल अगर लड़के हैं वो भी आ सकते हैं, यहाँ पे कपल्स भी आ सकते हैं, या फिर सिंगल कोई गर्ल है तो वो भी आ सकती है। सो ये जो है ना PG किसी के लिए भी है, जैसे नीचे में आप देख सकते हो नीचे में मैं भी कोई है एंड अभी एंड ऊपर में भी आप आ सकते हो अगर आप रहना चाहते हो, चाहे कपल्स हो आप आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप प्रवीण भाई से बात कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जो है ना प्रवीण भाई की नंबर मिल जाएगी आपको। एंड गाइस मेन बात यह है कि आज मेरे YouTube चैनल का 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं कुछ सेलिब्रेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर साल जब मेरा YouTube चैनल का 1 साल पूरा था, आई मीन 1 ईयर कम्प्लीट हुआ था, तो मैं सेलिब्रेट किया था, सेकेंड ईयर सेलिब्रेट किया था, थर्ड ईयर सेलिब्रेट किया था। तो इस बार भी प्रवीण भाई ने बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट करने का सोचा था लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया बिकॉज पिछले लास्ट 7-8 मंथ से जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल पे एंड मेरा अटेंशन अभी कहीं और है, दूसरे जो मेरा यूनिवर्सिटी है उसके तरफ है, बिकॉज वहाँ पे जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल है अटेंडेंस को लेकर के, इस कारण से। तो मैंने बोला कि कुछ खास नहीं करना है, तो प्रवीण भाई ने बोला कि थोड़ा सा कम से कम केक तो कट करना ही होगा।
मैंने मना कर रहा था कि कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रहते हैं ऐसे ही करते हैं, क्योंकि सेलिब्रेट जब करो जब आप रेगुलर वीडियोस बना रहे हो, बिना स्ट्रगल के जो है ना सेलिब्रेट करने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने बोला है कि कम से कम एक केक कट कर लेना, तो बस एक नॉर्मल केक कट करूँगा। हर साल जैसे सेलिब्रेट करता हूँ वैसे कुछ सेलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज़ अगर मुझे मौका मिले, जो भी अभी कमी आई है ना लाइक वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही है, पहले मैं बहुत सारा इन्जॉय करता था, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करता था, पर मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है और मुझे टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आती है सही से, मुझे ये भी सीखना है। एंड गाइस ये एरिया शायद मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, अभी सुबह के कुछ 7 बज रहे होंगे और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हवा चल रही है, जबकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना हीट हो रही है हरियाणा में तो, और बाहर भी मुंबई की तरफ भी बहुत सारा जो है ना धूप ये सब पड़ रहा है। आप बताओ आपके घर के आसपास क्या हाल है, बहुत सारा धूप पड़ रहा है, क्या कंडीशन है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। तो चलो टॉपिक जो हमारा था वहाँ से मैं थोड़ा भटक गया, तो हो सकता है तो मैं भी एक केक कट करूँ, ज़्यादा मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा, और वो भी अगर प्रवीण भाई बोलेंगे तो, वरना हो सकता है ना भी करूँ। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होता है। प्रवीण भाई ने अभी बुलाया है, कॉल किया है, तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे। 2000 years later. All right guys, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे YouTube चैनल का आज 4 years complete हो चुके हैं, तो मुझे केक कट करना है। मैंने मना किया था कि केक नहीं लाने के लिए, लाने के लिए तो छोटा सा लाने के लिए भाई ने लाया, फिर भी थोड़ा बड़ा सा केक ले आया। मैंने बोला था कि बस थोड़ा, कोई है भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे विलेज है तो विलेज से मैंने एक दो बच्चों को बुला लिया, आप देख सकते हो छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा यहाँ देख सकते हो। सो इन सब के साथ हमें केक कट करना है यहाँ पे, एंड हम लोग साथ में मिलके केक ख़त्म कर देंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कर लेता हूँ केक कट। और आप लोग ये मत बोलना कि अमन गनी बस सेलिब्रेशन करता है, क्योंकि मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, वो प्रवीण भाई ने ज़बरदस्ती करके करवाया है, लाइक ये करना ही है जबरन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फोर ईयर्स, नहीं दिख जाएगा, समझ जाएगा कैमरे के पीछे कोई है। दो भाई साहब आप भी लो। सारा देख रहा है दिया, इससे देख रहा है। हाँ नहीं खिला रहे हैं बच्चे को। कहाँ कौन कौन बच गया? बस बस इतना है लिया ना, चलो बस यहाँ पे। आपको मैंने खिलाया, लो लो पूरा लो। हाँ पूरा लो। ये कौन खाएगा? केसु कौन खाएगा? अमन गनी, अमन गनी। हाँ। सो भाई आप देख सकते हैं इस पे मेरा नाम लिखा है, अमन गनी। ये खाएगा मेरा दोस्त केसु। सो भाई ग्राउंड फ्लोर का लुक कुछ ऐसा है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रीज, ये सारा कुछ है। तो बहुत मज़ा आया, हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लिया 4 ईयर सेलिब्रेशन। एंड गाइस मैं 7-8 मंथ से लास्ट वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ वो मेरी जो है ना मेरे तरफ से कमी है। मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी वीडियोज़ लाने का। एंड भाई ने हमें केक कटवा दिया, मैं सोचा नहीं था कि इस बारी मैं केक वेक काटूँगा। तो अगर यहाँ पे आपको लेना है ना अगर पीजी वीजी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है प्रवीण भाई का, आप कॉल कर सकते हो उस नंबर पे। सो भाई सी यू अगेन नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। ओल्ड मॉडल लिफ्ट, और यहाँ पे अभी मेरी पिक लगी हुई है।